टीम इंडिया मांगे नया चीफ सेलेक्टर, नहीं रहे चेतन शर्मा इस पद पर। मुख्य चयनकर्ता की अब उठने लगी मांग, स्टिंग ऑपरेशन के बाद बढ़ गई डिमांड। दिग्गज खिलाड़ी के बयान में ये बात हुई शामिल, कहा माही है इस कुर्सी के काबिल। चेतन शर्मा की गई कुर्सी, बीसीसीआई की भी नहीं दिख रही मर्जी। कहते हैं ना, झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे मौजूदा चीफ सेलेक्टर के साथ, उन्हें भी बड़बोलापन ले डूबा। जो लोग अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपने रुतबे और अपने बड़े बोल के लिए जाने जाते हैं, उनका एक दिन तो भांडा फूटना ही है। स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा के चिट्ठे खुल गए, उनकी झूठी शान भी दिख गई कि पांड्या उनके दर पर पड़े रहते हैं, रोहित हर दिन कॉल करते हैं, खिलाड़ी फिटनेस के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग उनके आसपास रहते जी हजूरी करते, उन्हें तो मौका मिलता ही है, और ना जाने कितनी बातें थी। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के बाद क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने इस स्टिंग में कई दावे किए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भारतीय खिलाड़ी फिटनेस के लिए इंजेक्शन लेते हैं। इस खुलासे और स्टिंग ऑपरेशन के बाद चेतन शर्मा ने अब चीफ सिलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जयशाह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसी बीच एक दिग्गज खिलाड़ी ने सुझाव दिया कि भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए। यही नहीं, भारत के फैंस की भी यही तमन्ना है, वो भी धोनी को इसी पर देखना चाहते। दरअसल फैंस तो T20 वर्ल्ड कप से ही चाहते थे कि चेतन शर्मा को हटाया जाए, लेकिन देखिए ना, ये भी अजीब ही बात है कि उन्हें बर्खास्त तो किया गया लेकिन वापसी कराने के लिए। ये फैंस की समझ से वाकई परे था कि आखिर ऐसा क्या दिख गया इस चीफ सेलेक्टर में कि दोबारा इसकी वापसी करा दी गई। अब जब पोल खुल गई तो उसके बाद खुद ही इस्तीफा दे दिया, बीसीसीआई ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चीफ सिलेक्टर रहे चेतन शर्मा ने जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में कई खुलासे किए। इसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप के बाद पद से बर्खास्त होने के 2 महीने बाद ही दोबारा से वो इस कुर्सी पर बैठ गए थे, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस बार खुद ही उन्होंने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जयशाह को सौंप दिया है। भारतीय क्रिकेट में इस तरह के विवादों के बीच पड़ोसी मुल्क से एक सजेशन आया है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने बीसीसीआई को ये सजेशन दिया है। कहा है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नया चीफ सेलेक्टर बनाया जाना चाहिए। दानिश कनेरिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, MS धोनी से एक बार बीसीसीआई अधिकारियों को बात करनी चाहिए, उन्हें पता करना चाहिए कि धोनी का प्लान क्या है और वो क्या चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। अब समय आ गया कि बीसीसीआई रोजर बिन्नी और जयशाह सख्त कार्रवाई करें और एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाए। बीसीसीआई को सिलेक्शन कमेटी में अब नए लोगों को शामिल करने की जरूरत है। दानिश कनेरिया ने आगे कहा, बीसीसीआई को सिलेक्शन कमेटी में अब एक नए लोगों को शामिल करने की जरूरत है। MS धोनी का दिमाग कमाल है और वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। जब ऐसा है तो उनके जैसा खिलाड़ी सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए। आपको बता दें कि धोनी फिलहाल क्रिकेट से दूर हैं, वो सिर्फ IPL में हिस्सा लेते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी करते हैं। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट का ICC वर्ल्ड कप जीता है। जब वो कप्तान थे तो उन्हें बखूबी पता होता था कि कौन खिलाड़ी टीम के लिए बेहतर है, कौन फिट है और कौन नहीं। ऐसे में अगर उन्हें चीफ सिलेक्टर की कुर्सी ऑफर की जाती है तो इसमें फैंस को काफी खुशी होगी। जहां तक क्रिकेट के एक्सपीरियंस का सवाल है तो नाम जहन में धोनी ही आता है और वो टीम इंडिया को बेहतर करने में काफी मदद भी कर सकते। इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है महेंद्र सिंह धोनी इस पद के काबिल हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहें भारत पॉजिटिव।